नमस्कार, एसएमएस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सरिता कुमार। आज हमारे साथ है शांति स्वरूप बोध जी, जो कि बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आज हम इनसे बात करना चाहेंगे कि अगर बहुजन समाज के सभी लोग हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लेते हैं तो इससे समाज में क्या बदलाव आएगा और बहुजन समाज को क्या फायदा होगा। धन्यवाद बेटे सरिता, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। वास्तव में भारतवर्ष का जो वर्तमान समय गुजर रहा है वो धार्मिक प्रदूषण का मारा है। जो धार्मिक मान्यताएं, जिनका किसी के भलाई से कोई मतलब नहीं है, वो समाज में हावी हो गई हैं। एक धर्म विशेष के नाम से उनको जाना जाता है। वास्तविकता ये है कि जो इस देश का शोषित, पीड़ित, वंचित, बहिष्कृत, दलित समाज है, जो इस देश के मूल निवासी हैं, जो इस भारतवर्ष के भूमि पुत्र हैं, उनकी जो अपनी संस्कृति है, प्राचीन संस्कृति, जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से शुरू होकर के भगवान बुद्ध तक और सम्राट अशोक तक और बाद में फूले और अम्बेडकर तक आती है, उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। कारण क्या है? वो हमें हमारे पैरों पर खड़ा होना सिखाती है। वो हमें हमारे अपने अच्छे बुरे के लिए एक विश्लेषण करने का अवसर प्रदान करती है। वो हमें अंधविश्वासों से मुक्ति दिलाती है। वो हमें अपनी योग्यता के बल पर आगे बढ़ाना सिखाती है। वो हमें किसी का परावलंबी, किसी के ऊपर आश्रित होने के मार्ग को अवरुद्ध करती है। व्यक्ति के सामर्थ्य को जगाती है, व्यक्ति की काबिलियत में यकीन करती है, व्यक्ति को ये पाठ पढ़ाती है कि तुम्हारा कल्याण अगर होगा तो तुम्हारे अपने प्रयासों से ही होगा, कोई दूसरा तुम्हारा कल्याण कर नहीं सकता। तो बौद्ध धर्म में आने के बाद में सबसे पहले तो व्यक्ति के ज्ञान के केंद्र खुल जाते हैं, सारे ज्ञान के जितने भी क्षेत्र हैं सब खुल जाते हैं। और व्यक्ति जब बौद्ध धर्म में आता है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये हो जाती है, वो सेल्फ सेंटर्ड नहीं रहता। वो खाली अपने भले के लिए नहीं सोचता, वो सारे संसार के लिए सोचता है। कैसे सोचता है? बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। बहुजन का क्या मतलब है? ज़्यादा से ज़्यादा लोग। जब भगवान बुद्ध ने ये पहली बार बात कही थी सारनाथ में अपने 60 भिक्षुओं को संबोधित करके कि चरतु भिक्खु विचारिकं, अरे भिक्खुओ पैदल चल के जाओ, काय के लिए? बहुजन हिताए, बहुजन सुखाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों का हित करने के लिए और सुख करने के लिए जाओ। जाने की बात कह रहे हैं ना, तो जब जाने की बात कह रहे हैं तो हर एक आदमी के घर आदमी जा नहीं सकता, तो वो सर्वजन तो नहीं हो सकता, वो बहुजन हो सकता है। हाँ, भगवान बुद्ध ही फिर आगे जाके कहते हैं, जब वो अपने बुद्ध विहार में बैठे हैं, वो सारे संसार की मंगल कामना कर रहे हैं सारे संसार के प्रति, तो फिर क्या कह रहे हैं? भवतु सब मंगलं, यानी सबका मंगल हो, सबे सत्ता सुखी होंतु, सारी कायनात सुखी हो। क्योंकि उसमें जाना नहीं पड़ रहा, वो कामना करनी पड़ रही है। घर बैठकर हम सबके लिए कामना कर सकते हैं, मगर जब घर घर जाना है, व्यक्ति व्यक्ति से मिलना है, तो भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध कहते हैं बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। हमें बौद्ध धर्म में क्यों आना चाहिए? बौद्ध धर्म में इसलिए आना चाहिए कि बुद्ध से पहले एक मान्यता थी कि भाई प्यासा कुएं के पास जाएगा या कुआ प्यासे के पास जाएगा। अरे प्यासा जाएगा ना कुएं के पास। मगर बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध ने पहले वर्षावास में 60 भिक्खु तैयार किए, 60 अर्हत भिक्खु। कौन थे वो? वो ज्ञान के कुएं बनाए थे उन्होंने, महाकुंभ बनाए थे ज्ञान के। और जब ज्ञान के कुएं तैयार हो गए तो पहले वर्षावास में कार्तिक पूर्णिमा के दिन वो उन भिक्खुओं को कह रहे हैं चरत भिक्खु चारिकंग बहुजन हिताए बहुजन सुखाए, यानी कि लोगों के घर पर जाओ। वो यहाँ नहीं आ रहे ना अज्ञानी लोग, तो आप उनके घर जाओ उनका अज्ञान मिटाने के लिए। ये बुद्धि है जो ऐसी बात कह सकते हैं। उन कुओं को उन्होंने प्यासों के पास भेजा, एक रीत बदल दी। किस लिए बदल दी? लोक कल्याण उनका मुद्दा था, लोक कल्याण उनका एजेंडा था, लोक कल्याण उनका जीवन का आधार था। इसलिए बौद्ध धर्म में जब आप आएंगे वहां जाति पाति का कोई लफड़ा नहीं है। सम्राट अशोक के समय में जाति का अस्तित्व क्या था? आज की जैसी जाति है ना, ये जाति की जकड़न बुद्ध के समय में ना थी, अशोक के समय में ना थी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ना थी, महाराजा जो हर्षवर्धन हुए हैं उनके समय में ना थी, एक बहुत बड़े राष्ट्रभक्त राजा हुए हैं महाराजा जयचंद उनके समय में ना थी। वो क्या थी कि जात पात के नाम पहचान मात्र को थे, व्यवहार में आज की तरह जकड़न नहीं थी। कैसे? सम्राट अशोक कितने बड़ा पराक्रमी राजा, मगर वो हर एक भिक्खु को नमन करते थे, प्रणाम करते थे। एक दिन उनका वजीर जिसको अमात्य कहते हैं, वो महाराजा सम्राट अशोक से बोला कि राजन
आप बड़ा अनर्थ करते हैं, आप सब भिक्कुओं को सर झुकाते हैं, इनमें तो चांडाल भी होते हैं, इनमें तो शूद्र भी होते हैं, आप अपने पति की गरिमा नहीं रखते। सम्राट अशोक ने अपने अमात्य की बात सुनी मगर उनको तुरंत उत्तर ना दिया, मगर जब अवसर आया तो उन्होंने एक बार कहा उस राध अमात्य से, हे राध तुम कुछ ऐसी व्यवस्था करो, कुछ जानवरों के सिर लाइए और एक आदमी का सिर लाइए। सिर लाए गए, उनकी व्यवस्था की गई और कहा कि जाओ इनको बाजार में जाके बेचाओ। बकरे का सिर बिक गया, भैंस का सिर बिक गया, हिरन का सिर बिक गया, मगर आदमी का सिर उसको जो भी देखता घिन करता, डरता, भागता, उसको किसी ने नहीं खरीदा। वो राध अमात्य अपने सैनिकों के साथ महाराजा के सामने आते, कहते हैं राजन सब बिक गए मगर ये आदमी का सिर नहीं बिका। कहले क्यों नहीं बिका? कहने के लोग कहते नहीं ये हम नहीं खरीदे। तो उन्होंने कहा कि जाओ अब आप जनता को ये कहो कि मैं इसको फ्री देता हूँ। वो फ्री भी नहीं लिया। राजा फिर तीसरे दिन भेजते हैं कि ले जाओ और उनको कहना हम इन पर कुछ पैसे रख के देंगे, इसे खरीद लो। फिर भी किसी ने नहीं खरीदा। फिर उस राध अमात्य को संबोधित करके चक्रवर्ती सम्राट अशोक बड़े काम की बात कहते हैं कि जिसके सिर की कोई कीमत नहीं, अगर वो सिर किसी के सामने सम्मान में झुक जाता है, इससे ज़्यादा सम्मान उस सिर का कुछ हो नहीं सकता। ये सम्राट अशोक के जमाने का जाति की समझने का एक उदाहरण है। इसलिए आप बौद्ध धर्म में आएंगे तो आप जाति से मुक्ति पाएंगे। आज जाति को आधार बनाकर लोगों को बर्बाद किया जा रहा है, पीटा जा रहा है, लूटा जा रहा है, उनके खिलाफ कानून बनाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ उनके नौकरियों के साधन समाप्त किए जा रहे हैं, उनका पैसा लूटा जा रहा है, उनको आपस में लड़ाया जा रहा है, उनको एक दूसरे के प्रति उनका वैमनस्य जगाया जा रहा है। तो भैया अगर इन सब चीज़ों से मुक्ति पानी है और न्याय का शासन स्थापित करना है, धर्म का स्थापित राज्य स्थापित करना है, वो बौद्ध धर्म के अलावा कहीं है नहीं। ये जो आप आज आप जगह जगह अनर्थ देख रहे हैं धर्म के नाम पर, वो उनका धर्म यही है। आप उनको गाली ना दीजिए। अगर वो साधु संत अनाचार करते हुए पकड़े जा रहे हैं, दुराचार करते हुए पकड़े जा रहे हैं, सलवार पहन पहन करके जो साधु संत हैं वो अपनी जान बचा के भाग रहे हैं, तो उनका धर्म उनको ऐसा करने की इजाज़त देता है। बौद्ध धर्म में इन सब चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। मेरे बौद्ध धर्म तो इतना महान है जो सम्यक आजीविका में यकीन करता है। सब सम्यक आजीविका ऐसी रोटी जो मैं कमा के लाऊं किसका दिल ना दुखे, किसी का हक मार के ना लाऊं, किसी को परेशान करके ना लाऊं, किसी को दुखी करके ना लाऊं, ये बौद्धों की आजीविका सम्यक आजीविका का एक प्रमाण है। मगर यहाँ हो क्या रहा है, लोगों को अंधविश्वासी बनाया जाता है, लोगों में अंधविश्वास एक प्रचार के माध्यम से दिमाग में डाला जाता है और वो उस प्रचार के कारण एक जाति विशेष को दान देने के लिए जाते हैं। वो दान ले लेकर के पल रहा है, बड़ा सम्मानित है। दान देने वाला, कमा के खाने वाला, परिश्रम करने वाला आज जगह जगह पर अपमानित है। ये प्रथा अगर रुकेगी तो तब रुकेगी जब हम बुद्ध की शरण की ओर रुख करेंगे, बुद्ध की शरण की ओर जाएंगे। बुद्ध की शरण में जाने का मतलब यह है सत्य का शासन स्थापित होगा, न्याय का शासन स्थापित होगा, समता मैत्री भाईचारे का शासन स्थापित होगा, आदमी आदमी के प्रति सहयोगी बनकर रहेगा, अत्याचार तो दूर तक नहीं दिखेगा। सम्राट अशोक के समय में कितने कितने बड़े अच्छे काम हुए हैं, वो उनके दुराचारी होने के कारण नहीं हुए हैं। उनको जो दुराचारी थे और सम्राट अशोक की महानता का, मौर्य सम्राटों की महानता का मुकाबला कर नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने अस्तित्व बचाने के लिए उन पर हमले किए, उनको तबाह किया, उनको बर्बाद किया। मगर जिस दिन ये देश बौद्ध धर्म से हीन हो गया, बुद्ध यहाँ से समाप्त कर दिए गए, उस दिन इस देश के बुरे दिन शुरू हो गए। हम विदेशियों के गुलाम बनने शुरू हो गए, हम मुसलमानों के गुलाम बने, मुगलों के गुलाम बने, और तो और जो अपने मुसलमान देशों में गुलाम थे ना उनके भी हम गुलाम बने। यहाँ आकर के उन्होंने सल्तनत बना दी, उसको गुलाम डायनेस्टी, गुलाम सल्तनत कहते हैं, उनके हम गुलाम बन गए। अगर गुलामी का जीवन जीना है तो भाई वो व्यवस्था तुम्हारे सामने है, और अत दीपो भव वाला जीवन जीना है, आप अपना दीपक बन के चलना चाहते हैं, आप अपने मालिक खुद बनना चाहते हैं, तो फिर बुद्ध का रास्ता है, बुद्ध का रास्ता अपनाना। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन का सबसे बड़ा कोई उपकार हम पर किया है तो वो ये किया है कि हमें बुद्ध की शरण प्रदान की है। आज हम अगर बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं तो सारी दुनिया से जुड़ जाते हैं। 40 देश बौद्ध देश हैं, 60 देश वो हैं जहाँ पर बौद्ध धर्म सेकंड पोजीशन में है, हम उनसे जुड़ जाते हैं। आज मेरे बच्चों की बारात बौद्ध देशों में जाती है,
आज हमारे परिवारों में बुद्धिस्ट कंट्रीज से बराते आती हैं। ये परिवर्तन किससे हुआ? बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा प्रदत्त बौद्ध धर्म से हुआ। तो आज अगर आपने सम्मानजनक जीवन जीना है, स्वाभिमान का जीवन जीना है, तो आपने बौद्ध धर्म में आना ही होगा। और पग पग पर अगर जलील होना है, अगर पग पग पर आपको गालियां झेलनी है, पग पग पर अपने अधिकारों का हनन होते देखना है, तो फिर तो वो व्यवस्था ही ठीक है। तो आओ आज हम अपने पुरखों की शानदार और जानदार विरासत का वर्णन करें, उसको स्वीकार करें और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के चित्र के सामने उनकी आंखों में आंख डालकर उनको उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का काम करें। और वो तभी हो सकता है जब हम बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा प्रदत्त बौद्ध संस्कृति का वर्णन करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं। उसके अलावा हमारी कोई और शरण हो नहीं सकती, बुद्ध के अलावा हमारी कोई शरण हो नहीं सकती। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा प्रदत्त मुक्ति मार्ग के अलावा हमारा कोई मुक्ति मार्ग हो नहीं सकता। इसलिए हम किसी के झूठे फरेब में ना फंस के बाबा साहब की सलाह माने, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर चले, तो ना केवल हमारा, हमारे भविष्य की पीढ़ियों का भी भविष्य सुरक्षित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ एसएम टेलीविजन के प्रति, एसएम न्यूज़ के प्रति मेरा हृदय के निम्नतम तल से बहुत बहुत आभार, साधुवाद, धन्यवाद। धन्यवाद शांति स्वरूप बोध जी एसएम न्यूज़ से बात करने के लिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।